हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए लेके आ चुका हूँ क्लास टेंथ के हिंदी सब्जेक्ट का प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर, जो कि 2020-21 सेशन के लिए है। दोस्तों अब आपको हिंदी का प्रैक्टिस पेपर आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, और अगर आपको हिंदी सब्जेक्ट में बोर्ड या फिर प्री बोर्ड में अच्छे नंबर लाने हैं तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और बीच में छोड़कर भी मत जाइएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। रीज़न ये है कि जो आपका बोर्ड का एग्ज़ाम होगा हिंदी का, उसमें यही पैटर्न और यही टॉपिक से क्वेश्चंस आने वाले हैं जैसे इस पेपर में आए हैं। सेम टू सेम डिट्टो फॉर्मेट रहने वाला है गाइस, और डिट्टो टॉपिक्स रहने वाले हैं। तो अगर आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, आप इसको समझ लेते हैं एक बार अच्छे से, तो आपके लिए प्री बोर्ड और बोर्ड का जो हिंदी का पेपर आने वाला है ना, वो बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। आप उसमें धड़ाधड़ अच्छे से लिख पाएंगे और सॉल्व भी कर पाएंगे। तो चलिए गाइज अब आगे बढ़ते हैं, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो आप इसको लाइक भी कर देना। तो चलिए अब हम यहाँ पर पहले प्रश्न पर आ चुके हैं, और गाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस बार के जो क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी कर दिया गया है, क्योंकि स्टार्टिंग के जो 40 मार्क्स हैं उन सभी में आपको ऑप्शंस मिलने वाले हैं हर क्वेश्चन के आंसर के लिए। तो आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सीधे ऑप्शन में से सही ऑप्शन को मतलब पिक करना है और फिर उसके नंबर आपको 100% मिल जाएंगे। तो पहला प्रश्न हमारा यहाँ पे गद्यांश वाला है, जिसमें हमें दो गद्यांश दिए गए हैं और 5 क्वेश्चन दिए गए हैं दो गद्यांशों में, और दोनों में से हमें सिर्फ एक गद्यांश को करना है, और ये बहुत ही ईजी है और आप इनको बड़े ही अच्छे से गाइस कर पाएंगे। आपको पहले इस पैराग्राफ को, जो गद्यांश आपको दिया गया, आप इसको 2 बार पढ़िए और क्वेश्चंस को पढ़िए, और फिर इजीली आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पर कुछ भी मुश्किल नहीं है गाइस, बहुत ही इजी आने वाला है हिंदी का पेपर। आपको हिंदी के लिए बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस अगर आप इसी तरह से करते रहेंगे, प्रैक्टिस पेपर वगैरह की, सैम्पल पेपर की, तो आपके 100% 75 से ऊपर नंबर आ जाएंगे। और जो हमारा दूसरा प्रश्न है, इसमें हमें काव्यांश दिया गया है, यहाँ पर हमें कविता दी गई है, हमें यहाँ पर भी दो कविताएँ दी जाएंगी, जिनमें से हमें दोनों में से कोई एक करनी है। यहाँ पे भी हमें 5 प्रश्न पूछे गए हैं और सभी में ऑप्शंस हैं, तो आपको वही फॉर्मूला अपनाना है। पहले एक बार पूरी कविता को पढ़ना है, फिर क्वेश्चंस को पढ़ना है, फिर से कविता को पढ़ना है, और फिर यहाँ पर आपको आंसर देने हैं। हिंदी के लिए आपके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम होता है, हिंदी में आपको ज़्यादा बल्कि भी नहीं आता है, और ऐसा भी नहीं होता कि आपको ज़्यादा सोचना पड़े, क्योंकि यहाँ पर 40 नंबर तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी कर दिए गए हैं बोर्ड और प्री बोर्ड के एग्ज़ाम में, कि आपको सब में ऑप्शंस मिलने वाले हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बोनस पॉइंट है। और अगर इस साल आप हिंदी में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं तो गाइस फिर किस साल के बच्चे करेंगे, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ पे ये सेकंड ऑप्शन है कविता वाला, अगर आप पहला नहीं करना चाहते हो तो आप दूसरा कर सकते हैं। तो वही वाला फार्मूला आपको अपनाना है कि आप अच्छे से पढ़ें, क्योंकि यहाँ पर कुछ जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो थोड़े से घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, क्योंकि गाइस आप 10th में आ चुके हो, तो आपके लिए बिल्कुल ही ईजी क्वेश्चंस नहीं दिए जाएंगे, हल्का सा ट्रिकी बनाया जाएगा, जैसे कि आपको लगेगा कि हाँ दोनों ऑप्शन सही लग रहे हैं, लेकिन आपको अच्छे से पढ़ के ध्यान लगा के आंसर देने हैं। और इसके बाद हमारा व्याकरण वाला टॉपिक आ चुका है, और गाइस व्याकरण वाला जो टॉपिक है अभी तक का सबसे इजी टॉपिक इसको बना दिया है, क्योंकि यहाँ पे आपके सिर्फ 4 जो हैं पार्ट आ रहे हैं, 4 सिलेबस में है आपका, 4 टॉपिक हैं व्याकरण के, जो कि बहुत ही ज़्यादा ईजी हैं, और इनमें थोड़ा जो ट्रिक था तो आपको उसको खुद लिखना पड़ता था, यही थोड़ा सा ट्रिक था, लेकिन अब आपको इसमें ऑप्शन दे दिए गए हैं, आप बहुत ही इजीली आप इनको सॉल्व कर पाएंगे। और क्योंकि यहाँ पर ऑप्शंस हैं, और आपके जो 4 टॉपिक हैं व्याकरण के वो हैं वाच्य, वाक्य, पद परिचय और रस, और ये बहुत ही ज़्यादा इजी हैं। इनमें थोड़ी सी ये ट्रिक होती थी कि थोड़ा सा मुश्किल आ जाता था, तो आपको ये समझ में नहीं आता कि आपको वहाँ पर क्या लिखना है, लेकिन जब आपको ऑप्शंस दिए गए हैं तो आपको पहले टर्मिनेट करना है, पहले ये ढूंढना है कि इनमें से कौन से ऑप्शंस गलत हैं, और लास्ट में जो ऑप्शन बचेगा वही राइट आंसर होगा। ये भी आप इनके लिए ट्रिक अपना सकते हैं। और यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे गाइस, उसमें से सिर्फ आपको 4 ही करने हैं, तो यहाँ पे भी आपको एक बेनिफिट मिल ही रहा है कि आपको अगर एक नहीं आ रहा है तो आपको सिर्फ 4 ही करने हैं, और आप फुल मार्क्स ही पा पाएंगे अगर आपको एक नहीं आ रहा है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा ईजी बना दिया गया है आपके लिए फॉर्मेट, और अगर आप यहाँ पर ध्यान से करते हैं तो हो सकता है आप हिंदी के एग्ज़ाम में 100% स्कोर कर पाएँ। और गाइस मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें, क्योंकि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम का जो फॉर्मेट और पैटर्न होने वाला है, और साथ ही साथ जिस टॉपिक से क्वेश्चंस आने वाले हैं वो सेम होने वाले हैं।
तो यहाँ पर गाइस हमारा जो व्याकरण वाला पोर्शन है वो ख़त्म हो रहा है और इसके बाद हमारा आ रहा है पाठ्य पुस्तक में से। तो अब जो हमें गद्यांश दिए गए हैं ये हमें हमारी बुक से दिए गए हैं और जो भी आगे के प्रश्न होंगे वो सारे हमारी बुक से ही होंगे इस वाले पार्ट में। तो हमारा सातवां प्रश्न में हमें एक पैराग्राफ दिया गया है, वो एक चैप्टर से फादर कामिल वाला ये चैप्टर है और यहाँ पर हमें पहले एक पैराग्राफ दिया गया है और फिर क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि बहुत ही ईजी हैं गाइस। आपको चैप्टर्स को पढ़ना है और कुछ क्वेश्चंस गाइस ऐसे हैं जो आप लेखक के बारे में नहीं पढ़ते हैं या फिर उसमें जो चैप्टर के पीछे कुछ दिया होता है इंपॉर्टेंट आप उसको नहीं पढ़ते हैं, उसमें से भी इसमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो उनको भी आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि हिंदी का जो सिलेबस है बहुत ज़्यादा नहीं होता, आपको सिर्फ एक बार पढ़ना है और ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। फिर जो हमारा एट्थ क्वेश्चन है इसमें हमें कोई भी पैराग्राफ वगैरह नहीं दिया है, हमें दो क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि एक एक नंबर के हैं और उनके लिए हमें ऑप्शंस भी चार दिए गए हैं। ये भी एक बहुत ही इजी टाइप का क्वेश्चन है, आपको इसमें कुछ भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ चैप्टर्स पढ़ने हैं और फिर आप इसको कर पाएंगे। और फिर उसके बाद जो हमारा नौवां प्रश्न है उसमें हमें एक कविता दे रखी है, पहले एक पैराग्राफ था मतलब वो चैप्टर में से आया था तो इस बार कविता में से आया हमारा और यहाँ पर हमें कविता देने के बाद फिर क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उनमें भी हमें ऑप्शंस मिले हुए हैं। तो ये फिर से इजी ही काम है जो आप बड़े ही आराम से कर पाएंगे। और उसके बाद है हमारा एक ऐसा प्रश्न जो कि कविता में से पूछा जाने वाला है लेकिन इसके लिए हमें कोई काव्यांश नहीं दिया गया है, यहाँ पे सिर्फ हमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो कि राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद से है। मैं 10वें प्रश्न की बात कर रहा हूँ गाइस और ये अब हमारा इसके बाद ब खंड स्टार्ट होने वाला है जहाँ पर हमें ऑप्शंस नहीं मिलने वाले हैं, मतलब 40 प्रश्न तो हमारे ख़त्म हो गए हैं जहाँ पे हमें सबके लिए ऑप्शन मिल रहे थे। यहाँ पे हमें खुद से लिखना है गाइस और यहाँ पर आपको वर्ड लिमिट भी दे रखी है हर क्वेश्चन के लिए, तो आप ट्राई करिए कि आप उसी के अंदर ख़त्म करें और ज़्यादा फालतू का कुछ भी ना लिखें। और अगर आपको चार में से कुछ आपको बता रखा होगा कि आपको चार में से कितने क्वेश्चन करने हैं, चार करने हैं, तीन करने हैं, दो करने हैं, तो आप लोग 11वें में देख सकते हैं कि आपको चार में से चार करने हैं, 12वें में तीन में से तीन, लेकिन जो 13वां था उसमें आपको सिर्फ दो ही करने थे। इसके बाद 14 प्रश्न है जिसमें आपको लिखना है एक अनुच्छेद और अनुच्छेद की आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी गाइस और इसका फॉर्मेट आपको आपके टीचर ने बता दिया होगा और ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है। और उसके बाद जो 15वां क्वेश्चन है इसमें भी आपको कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है, आपको इसमें पत्र लिखना है। 16वें में आपको एक विज्ञापन तैयार करना है, फिर 17वें प्रश्न में आपको एक संदेश लेखन लिखना है जो कि शुभकामना और बधाई देते हुए है। और गाइस इन सब में आप लोग देख पा रहे हैं कि सभी में आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आपको जो इजी लगे आप वो करिए लेकिन अच्छे से करिए, आपको इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच गाइस, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।